ये जानते हैं कि हमारे आसपास के सराउंडिंग के अंदर क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हमारी हेल्थ को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं, और लोग इनोवेशन ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही एक आइटम है, वो है पाम ऑयल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे मार्केट में वाइडली अवेलेबल है। वाइडली मतलब बहुत फैला हुआ है। आप हर एक चीज जिसमें तेल यूज होता है उसके अंदर आप पाम ऑयल को पाएंगे। तो ऐसा क्या है पाम ऑयल में जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, राइट? तो पाम ऑयल, जैसा कि मैंने बताया कि आपके हर तरह के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, आपके जो स्नैक्स हैं, जो फूड के अंदर सबसे कॉमन प्रोडक्ट है स्नैक्स, उसके अंदर पाम ऑयल काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा पाम ऑयल के अंदर मैं आपको हेल्थ की बात करूं, जब हम हेल्थ की बात करने आए हैं, पाम ऑयल अगर इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो आजकल की रिसर्चेस, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पाम ऑयल के अंदर रिसर्चेस हो रही है, पाम ऑयल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं, पाम ऑयल के नुकसान निकल के आ रहे हैं। तो पाम ऑयल अगर इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो किसी रीजन की वजह से हो रहा है, पर वो रीजन के अलावा जो उसका हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है वो अच्छा नहीं है, राइट? तो हम उस हेल्थ के इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे पाम ऑयल के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो। तो आप जो स्टडी देख सकते हैं, एफजी गेट करके एक पेपर है, उसने एक हेल्थ हजार्ड्स करके पाम ऑयल का निकाला था, एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा हुआ था कि पाम ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट, एक तरह फैट्स के अंदर कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे सैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट ऐसा होता है जो हमारे शरीर में जाके कई तरह की दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि ये थोड़ा ठोस किस्म का ऑयल होता है, फैट होता है, जो हमारे लिवर, हार्ट, सबसे बड़ा हार्ट को डैमेज करता है, लिवर को भी डैमेज करता है, किडनीज को भी डैमेज करता है, लंग्स को भी डैमेज करता है। ये सैचुरेटेड फैट पाम ऑयल में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसको हाई अमाउंट में पाया जाता है। और क्योंकि हम प्रोसेसिंग के टाइम पे कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, उस टाइम पे इसके अंदर चेंजेस होने से, ऑक्सीडेशन होने से ये और हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसा ही ये जो पाम ऑयल है, ये हमारे सभी मोस्टली हमारे स्नैक्स हो गए, नमकीन हो गए, किसी तरह के आपके कुछ भी स्वीट्स हो गए, उनके अंदर भी हर तरह के प्रोडक्ट में पाम ऑयल जा रहा है। ये पाम ऑयल जो मैंने आपको बताया था किसी रीजन की वजह से जा रहा होगा, वो रीजन है सबसे बड़ी तो इसकी कम कीमत। कम कीमत, इसके अलावा यह एक ऐसी फसल है, इसको आसानी से उगाया जा सकता है, और आसानी से उगाने के अलावा इसके अंदर आपको जो एक यील्ड मिलती है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो ज्यादा मिलता है, तो जो बिजनेस करने वाले हैं उनको फायदा मिलता है। इसके अलावा इसको उगाना आसान है, इसका यूज करना आसान है, इसका टेस्ट भी होता नहीं है, इसका कलर भी नहीं होता है। तो प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर नमकीन के अंदर आपको मसाला चाहिए, आपको चटपटी नमकीन चाहिए, तो चटपटा टेस्ट बहुत अच्छा देगा, इसका पाम ऑयल का टेस्ट उसको नमकीन के टेस्ट को खराब नहीं करेगा। तो ऐसे ही कुछ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ गुण हैं जिनकी वजह से पाम ऑयल का इतना ज्यादा उपयोग मार्केट में होता है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको, जैसे मैंने बताया कि चिप्स तो आपके है ही है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, नमकीन है, आइसक्रीम तक में भी पाम ऑयल का उपयोग होता है। फ्रोजन डेजर्ट्स करके एक आती है आइसक्रीम, जिनके अंदर वो ऑयल से बनी हुई, उनके अंदर भी आपको पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको अवेयरनेस आपको लानी होगी, मार्केट में देखना होगा जब आप कंज्यूम करते हैं, उसके बाद आपको चूज करना होगा कि क्या आपको पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट्स खाने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अब आपके लिए क्या ऑप्शन है? आपको एक तो उन प्रोडक्ट्स को स्विच करना है, आपको उनको अवॉइड करना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपकी जो धीरे धीरे आपकी जो डेली के अंदर जो आप छोटे छोटे स्नैक्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये स्नैक्स चाहिए होते हैं, उनको आप ऐसे ऑयल से रिप्लेस कीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वो है अपना राइस ब्रैन ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर अच्छी मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जैसे मैंने सैचुरेटेड फैट्स के बताया और आपको दूसरे टाइप्स बताया फैट के, इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके ये जो कॉमन स्नैक्स हैं, क्योंकि हमारे को ये हमारी लाइफ बन गए, हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन गया ये स्नैक्स, तो हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर हम इनके अंदर जो यूज होने वाली चीजें हैं, हम ऐसे ऑप्शन चूज करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हो। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं जो हेल्थ गार्ड या राइस ब्रैन ऑयल से बने हुए हों,
ताकि आपकी वो हेल्थ को इम्पैक्ट ना हो। अब मैं राइस ब्रान ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, ये आप लोग वाकिफ हैं राइस ब्रान ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। पर जो सबसे पहला बेनिफिट है जिसके बारे में मैंने बात करी थी, पाम ऑयल का, जिसकी वजह से उसका सेवन काफी ज्यादा होता था, वो था उसका अच्छा टेस्ट, न्यूट्रल टेस्ट, जो कभी किसी दूसरे प्रोडक्ट को इम्पैक्ट नहीं करता, उसके फ्लेवर को इम्पैक्ट नहीं करता। वो ही क्वालिटी है राइस ब्रान ऑयल के अंदर भी। तो राइस ब्रान ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा होने के साथ में आपको वो टेस्ट भी देता है, इस वजह से इसको इजी हो गया है आपकी इनकॉर्पोरेट करना आपके फूड्स में। इसके साथ में ये हार्ट के लिए अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऑयली कम है, ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है सैचुरेटेड फैट्स की बजाय। ये आपके स्किन के लिए अच्छा है, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और ये काफी रिसर्चेस में भी पब्लिश हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि आपके हार्ट के लिए, आप कार्डियक फ्रेंडली वर्ड यूज किया है, कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट के लिए फ्रेंडली है। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्ट को हेल्प करते हैं, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट को हेल्प करते हैं, हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइस ब्रान ऑयल का, ओराइजिन ऑयल कंटेंट, जो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज देता है, ये जो आपको ये सारी बेनिफिट देता है, वो ओराइजिन ऑयल कंटेंट है राइस ब्रान ऑयल के अंदर 14,000 ppm। मार्केट के अंदर आपको 14,000 ppm से कम वाले, 14,000 ppm तक के प्रोडक्ट मिलेंगे, राइस ब्रान ऑयल के ppm 16,000 ppm तक भी गया। तो ये है आपकी क्वालिटी, 16,000 ppm और 14,000 ppm बहुत डिफरेंस है। जो एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल से मिल रहे हैं। तो मिनिमम आपको किसी भी कीमत पे 14,000 ppm आपको हर बार मिलेगा। तो ये जब आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसके साथ में एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के, तो ये भी आपके एक तरह के पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और ये भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की वजह से, और इसी क्रॉप की क्वालिटी की वजह से है। जिस तरीके से इसी क्रॉप को मेंटेन किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो बहुत ध्यान में रख के किया जाता है। ये जो कंटेंट होते हैं क्रॉप की क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आपने अच्छे से क्रॉप को ग्रो करी तो उतने ही अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे। तो ये ध्यान बहुत ज्यादा रखा गया है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को बनाने। इसके साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, ओराइजन ऑयल भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, और ओराइजन ऑयल के साथ में विटामिन ई जिसे हम बोलते हैं, तो विटामिन ई भी आपको दोनों प्रकार के, टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल, दोनों प्रकार के विटामिन ई भी मिलते हैं आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के अंदर। तो ये सारे फायदे एक आपके लिए पैकेज है, एक पैकेज की तरह आपको इसको यूज करना है। इस पैकेज को आपको आपके हेल्थ फैमिली के अंदर लेकर आना है, और आपकी जो वेल्थ है, आपकी हेल्थ जो आपकी वेल्थ है, उसको आपको सही रखना है। तो राइस ब्रान ऑयल के जब इतने अच्छे फायदे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ हो। तो सबसे पहला तो हम हमारे घर में जो हमारे को स्विच करना है, एक चेंज लेकर आना है, वो हम चेंज ला सकते हैं। दूसरे जो नॉर्मल तेल है उसके बजाय हम राइस ब्रान ऑयल पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो अलग अलग पैक साइज में आता है। हम इनको कैसे हमारी लाइफ के अंदर ला सकते हैं, बिस्किट्स के अंदर अगर हम पाम ऑयल को रिप्लेस कर दें राइस ब्रान ऑयल के साथ में, तो आपको मिलेंगे स्वेच्छा के बिस्किट्स। इसके अंदर आटा यूज किया गया है, आटे के साथ में व्हीट ब्रांड डाला गया है, और ये हमारे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल से बनी। स्वेच्छा के खाखरा, खाखरा एक तरह का गुजराती स्नैक होता है, काफी हेल्दी होता है, क्योंकि ये भी बनाया जाता है गेहूं के आटे के साथ बनता है, और ये रोस्टेड होता है। स्वेच्छा खाखरा के अंदर दो वैरायटी के खाखरा आते हैं, मेथी खाखरा और प्लेन खाखरा। प्लेन खाखरा और मेथी खाखरा दोनों के अंदर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया गया है, ध्रुवम चक्की फ्रेश आटे का इस्तेमाल किया गया है, और ये भी बना है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल्स। मार्केट में मिलते हैं पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स, पाम ऑयल के खाखरा, स्वेच्छा के अंदर आपको मिलेगा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल और ध्रुवम चक्की फ्रेश आटा। तो दोनों ही A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स